اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب السيئه واحاتت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. او कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ जहन्नम में रहेंगे उनसे कहिए कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से कोई परवाना आया है अगर है तो यकीनन अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेगा हरगिज़ नहीं बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते यकीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी नाफ़रमानियों ने उसे घेर लिया वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा नाजरिन के राम ये अल-बकरा की आयत नंबर अस्सी और 81 है जिसमें अल्लाह ताला ने नसारा की वही जो तमन्नाएं थीं बड़ी बड़ी डींग पटांग थी उसी का जिक्र किया कि वो क्या करते कहते कि हमें जहन्नम की आग बस चंद दिनों तक छुएगी वो लोग डींग करते थे ना? तमन्नाएं करते थे झूठ लाते थे अल्लाह पर कहते कि चंद दिनों के बाद हम जहन्नम में चले जाएंगे ये यहूद का दावा था कि हम जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे और फिर मुसलमान हमेशा जहन्नम में रहेंगे हमारे लिए तो बस मामूली दिनों के लिए है फिर जहन्न हमारे लिए जन्नत बनी है तो अल्लाह पर ये इस तरह का झूठ बांधते थे तो अल्लाह ने उसी का जिक्र किया कि तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहते हो क्या तुम्हारे पास कोई परवाना आया है हरगिज नहीं तुम तो झूठे हो इसीलिए अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं वलि नफ्स बियदी कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद वसल्लम की जान है इस उम्मत का कोई यहूदी या नसरानी जो मेरी और रिसालत की खबर सुने मेरी बेसत के बारे में उसे इल्म हो और फिर मर जाए और मुझ पर ईमान न लाए यानी मुझ पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा तो वो जितने यहूदी थे नसारा थे, सबको रिजेक्ट कर दिया गया ना कि तुम कहां की तमन्नाएं और ख्याली में पड़े हो नबी की बेसत के बाद तो अब गुंजाइश ही नहीं रह गई ईमान लाए बगैर तुम अगर मर गए तो तमन्नाओं के साथ जहन्नम में जाओगे जन्नत की तमन्ना से कोई फायदा नहीं तो अब यहां पर अल्लाह ने यहूद का खसूस तौर से जिक्र किया तो इस आयत से आयत नंबर जो अल बकरा की अस्सी है जो चंद मसाइल साबित होते पहला मसला यहूद एक झूठी कौम थी और आज भी जो यहूदी हैं झूठे हैं दूसरा मसला यहूदी झूठे खयानत करने वाले और धोखा देने वाले और वादा को कभी पूरा ना करने वाले ये चार अलामतें हैं यहूदियों की पहले भी बनु इसराइल के जो मूसा इस्लाम पर ईमान रखने का दावा करते ये अहद नबी के यहूद और आज के के झूठ बेवफाई खयानत धोखा ये उनकी ख़ास पहचान है और उसके बाद हसद ये उनके अंदर एक फितरी चीज़ है मकर एक फितरी चीज़ है कभी उन पर भरोसा नहीं किया जाएगा यहूद पर या जो उनके रास्ते पर चलने वाले हैं दूसरा मसला जो आयत से साबित होता है क़ुरान का उसलूब जब कहा कि हम तो चंद दिन तक जन्नम में रहेंगे फिर निकल आएंगे जाननम में मुसलमान चल रहेंगे हम तो हमेशा जन्नत में रहेंगे तो कहा कि की कुल्ला क्या कोई परवाना है तुम्हारे पास अल्लाह तो वादे की मुखालफत नहीं करता लेकिन तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो ये उसलूब है कुरान का अपनी बात को बावजन बनाकर पेश करने का इतनी बड़ी बात कह रहे हो कुछ प्रूफ है बेपुरूफ के कैसे कोई बात कर रहे हो अल्लाह ने उनके दावे की तरदीद के लिए ये प्यारा बलागी उसलूब इस्तेमाल किया तीसरा मसला जो इस आज से साबित होता है कि अल्लाह अपने वादे की कभी मुखालफत नहीं करता है लेकिन बगैर वादे के आप कहें कि अल्लाह का हमसे वादा है कि हम जहन्नम में कुछ दिन रहेंगे फिर जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह की तरफ झूठा वादा क्यों मनसूब करे बंदा ये तो झूठा है खाइन है सबसे बड़ा जालिम और गुनागार इंसान है चौथा मसला जिस आदमी को आखिरत की फ़िक्र नहीं जिसके पास ईमान नहीं तकवा नहीं खौफ नहीं वो झूठ बोलता है, चाहे वो अल्लाह पर झूठ बोले चाहे रसूल पर झूठ बोले जो आदमी ईमान से खाली है वो जबान की सच्चाई और झूठ का कुछ नहीं ख़्याल करेगा और यहूद खाली थे ईमान से इसलिए वो फिक्र नहीं करते थे और कहते कि हमें तो आग बहुत कम दिन तक छुएगी फिर जहनम से निकल कर जन्नत पे चले आएंगे और उसके बाद पांचवा मसला जो ऐसा से साबित होता है अल्लाह ने यहूद के दावे की तरदीद की बला मन कसब का वहाब्नार गुनाह कमाए गुनाओं से घिरे और जकड़े हो तो जहन्नम में ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो कैसे नेक लोग रहेंगे खुद तुम सोच लो तो उनके ऊपर जो हुज्जत कायम की उनकी बात को पलट करके इतने मजबूत अंदाज में रद्द किया कि फिर कुछ कहने की गुंजाइश न रह जाए दूसरा मसला जो ऐसा नातियों से साबित होता है अल्लाह के अहकाम इंसानों के अवसाफ से जुड़े हुए हैं जब वो जैसा करता है वैसा ही उसको बदला मिलता है मन का सब सही अतन वात बही खतीय तु गुनाह कमाए गुनाओं से घिरा हुआ है तो उसके ऊपर जो कानून लगेगा गुनाह किया गुनाह से तोबा किया उन दोनों में फ़र्क है और तीसरा जो मसला है जहन्नम में हमेशा हमेशा वही रहेगा जिसने गुनाह किया गुनाहों से जकड़ा रहा और गुनाहों से तोबा नहीं किया और गुनाहों में सबसे बड़ा जो गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना इलाग फिर कबि व ग फे मादू नदा यशा ये खलूद फिनार जहन्नम में हमेशा हमेश रहने वालों की एक तरह से पहचान बता दी गई कि जो इस तरह का जुर्म करेगा या इस ढांचे में उतरेगा सांचे में उतरेगा इस डरे पर वो दायमी जहन्नमी है और बहुत सारे लोग गुनाह करेंगे ये सोच करके हमने तो शिरक नहीं किया है ना हम तो माफ़ कर दिए जाएंगे अल्लाह ने चाहे तो माफ कर देंगे ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए आपको क्या पता कि आप अल्लाह की चाहत में आते हैं या नहीं आते हैं हो सकता अल्लाह ना चाहे तब इसलिए इस तरह आजादी के साथ बिला खौफ गुनाहों से बचना चाहिए कभी गुनाह हो जाए तो तौबा करना चाहिए ये तो मुश्किन और मलोन की सिफत है कि वो गुनाह पर गुनाह करें और खौफ ना खाए इसलिए ये जो कहना कि हमने शिरक नहीं किया कोई गुनाह माफ हो जाएगा अल्लाह ने कहा है मेरे भाइयों हो सकता है अल्लाह ने कहा कि वह यग फेरो का शाह आपको मालूम है कि आप उस मशीयत में दाखिल हो जाएंगे हो सकता है ना दाखिल हो तब क्या होगा इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए चौथा मसला जो इनायतों से साबित होता है जहन्नमी जो मुस्तकिल जहन्नम में रहेंगे दायमी जहन्नम में जो रहेंगे वो उससे बाहर नहीं निकाले जाएंगे हमेशा रहेंगे इल्ला जहन्नम अबदा। अल्लाह यसीरा। जो आदमी अपने ऊपर जुल्म करता है कुफ्र करता है जहन्नम के रास्ते पे चलता है जाहिर सी बात है हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा और अल्लाह के लिए बहुत आसान सी चीज है दूसरी जगह फरमाया इन अल्लाह अल्लाह ने काफिरों पर लानत भेजी और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है खाली फीहा अबदा वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे और लाए जद वलियम वाला नसीरा कोई साथी, दोस्त और मददगार नहीं पाएंगे मेरे भाइयों और दोस्तों आप इस मुल्क में हैं हम लोग हिंदुस्तान में आप कुफ्र के दन दनाते हुए अमल को दंदनाते हुए उनकी ज़िंदगी को देखिए किस तरह वो चैलेंज कर रहे हैं इस्लाम को क़ुरान को पैगंबर इस्लाम को और किस तरह कुफ़्र पर दन दना रहे हैं आप इन आयतों पर गौर कीजिए कि अंजाम के लिहाज से ये दायमी जहन्नमी है आप अपने ईमान पर साबित क़दम रहिए अल्लाह की नेमतों पे कायम रहिए शुक्रगुजार बंदे बन करके कुफ्र की मौजूदा तरक्की से मरऊब मत होइए मायूस मत होइए और हौसला बुलंद रखिए, कुफ्र की जड़ें खोखली हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है वमन मैयासी व रसू रहू फ नार जहन्नम दीन फीहा अबदा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की उसके लिए जहन्नम है और दायमी जहन्नम हमेशा उसी में रहेगा तो इन आयतों में बड़ी सराहत और वजाहत है कि किस तरह अल्लाह ताला जहन्नम और जन्नत का फैसला करेगा और कौन मुस्तकिल जहन्नम में रहेगा खुश फहमी और उसके बाद लंबी तमन्नाएं डिंग पटांग से कुछ नहीं होता है अल्लाह का फैसला मौजूद है वही फैसला नाफिज होगा कोशिश हमारी होनी चाहिए तोबा के इस्तार की अमल साले की और यहद नसारा के इस रास्ते को अल्लाह ने बयान करके इस तरीके को हमें सबक दिया कि तुम अमल का रास्ता अख्तियार करो तुम्हारी ज़िंदगी में मायूसी नहीं होनी चाहिए अज़म हौसला बुलंद करके ज़िंदगी गुजारो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान और अक़दे की और अमल साले की पुख्तगी और सलामती अता फ़रमाए इनमें नाफ़िरता फ़रमाए और अमन साले की तोफीक बख्श आमीन व सल्ह नबीन महम्मद वाली वसब अजम नाजर कराम आपकी मोहब्बत का नवाज़िश का बहुत बहुत शुक्रिया ये आप हमारे साथ जुड़े रहे इजाज़त दीजिए इन अनक़रीब हम हम बकरा की आयत नंबर बयासी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए जजाक खैर वसलम आलकम वरम वर्का